डीडी किसान बदलते भारत की शान। कौन कहता है कि बात सुनी नहीं जाती, सलीका हो तो फिर हर बात सुनी जाती है, और वही सलीका अख्तियार हम करते हैं मंगलवार और गुरुवार को जब बात होती है सच की। और मैं हमेशा कहता हूं कि सच की डोर को थामिए तो फिर आपके चेहरे भी खिलखिला उठेंगे और किसी तरह का कोई शक शुबा जीवन में नहीं रहेगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सच के साथ, और मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। हम अक्सर बदलने की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, कभी प्रयोग की बात करते हैं और कभी संयोग से हो रहे प्रयोग की बात करते हैं, और ये प्रयोग जीवन में समय समय पर शने शने होते रहने चाहिए, तभी जीवन में प्रगति की बयार आती है। और यही कोशिश, यही बदलाव प्रधानमंत्री भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कृषि में समय के अनुसार बदलाव होते रहें, नए नए प्रयोगों को किसान भाई अख्तियार करते रहें, और जो आय दोगुना करने की बात सरकार कहती है और कर भी रही है, वो प्रयास लगातार रफ्तार पकड़ते रहें। तो आज यही जानने और समझने की कोशिश हम करेंगे कि क्या समय की मांग के अनुसार अब खेती में बदलाव की जरूरत बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा है तो फिर बदलावों की फेहरिस्त वो कौन सी हो सकती है जिनको इंप्लीमेंट करके, एग्जीक्यूट करके आप खेती के जरिए समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। हमेशा की तरह आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसके जरिए कुछ बातों का जिक्र होगा, लेकिन इन डिटेल मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आप इन बदलावों के जरिए उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियों से निपट सकते हैं। और इन सारी बातों को आज हम 50 से 55 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट के साथ और जल्द लौटते हैं डिस्कशन को लेके। कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है, और ये बदलाव समय समय पर होना भी चाहिए। अब ये बदलाव चाहे हमारे जीवन में हो या फिर हमारी खेती किसानी में, खेती में बदलाव कितना जरूरी है इस बात को समझते हुए प्रधानमंत्री समय समय पर नए प्रयोगों की बात करते आए हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की कोशिश है कि कृषि के क्षेत्र में आ रहे बदलावों के जरिए किसानों के जीवन को बदला जा सके। सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि किसानों को कर्ज, आधुनिक प्रौद्योगिकी, उनके कृषि उत्पादों के लिए मूल्य संवर्धन और विपणन सहायता तक आसान पहुँच मिले। बदलते समय के साथ खेती के पैटर्न में आ रहे बदलावों को सरकार बहुत अच्छे से समझती है। यही वजह है कि सरकार किसानों को आधुनिक पद्धतियों के साथ साथ प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ कहना है कि हमारी कृषि प्रणाली में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, ये समय की मांग है। प्रधानमंत्री हमेशा कृषि क्षेत्र में सदियों पुरानी परंपराओं से हटकर काम करने की जरूरत पर जोर देते आए हैं। सरकार का दावा है कि किसानों को अब आसान कर्ज के साथ साथ प्रौद्योगिकी संबंधी मदद भी मिल रही है। पीएम कहते हैं कि हम किसान जो पैदा करता है उसमें मूल्य वर्धन हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। हम विपणन की पूरी व्यवस्था करते हैं। सरकार के विकास की सीमा सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार चाहती है कि किसानों का जीवन आसान हो सके। गांव में हाई स्पीड वाला इंटरनेट, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्मार्ट स्कूल और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, जिस पर सरकार लगातार काम भी कर रही है। तो आज कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे बदलावों को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही जानने का प्रयास होगा कि युवा किसानों को किस तरह से कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, उर्वरकों के इस्तेमाल को कैसे कम किया जाए, और छोटी जोत वाले किसानों का विकास किस तरह से संभव हो सकता है। तो सच के साथ में आज बदलावों की बात करेंगे, वो बदलाव जो खेतों से जुड़े हैं, किसानी से जुड़े हैं, समृद्धि से जुड़े हैं,
और सफलता से जुड़े हैं। इन प्रयासों को नजदीक से समझने की कोशिश और हमारी इस कोशिश में शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान, तारुफ में आपका एक एक करके कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र कुमार सिंह साहब, डेप्यूटी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर है। सिंह साहब स्वागत आपका मेरे शो में। शिवाजी सरकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है और खेती किसानी पे खास नब्ज पकड़ना उनको अच्छे से आता है। सर स्वागत आपका। कुणाल गहलोत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किसान हैं और आज बताएंगे कि किस तरीके से बदलावों की दरकार किसान महसूस कर रहा है। और मेरे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, ये इंसाइडर्स इंडिया लिमिटेड से हैं। सर स्वागत आपका इस शो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गहलोत साहब से ही। तो कुणाल, असल में जो तस्वीर हम इस रिपोर्ट के जरिए समझ रहे थे और खुद प्रधानमंत्री जिसका आह्वान करते रहे हैं, उसके हिसाब से लगता है कि मौजूदा समय में अगर किसानों को अपनी आय की रफ्तार बढ़ानी है तो इन बदलावों को अडॉप्ट करना होगा। क्या वाकई किसान ये समझता है कि अब वो समय आ गया है जब बदलाव बहुत जरूरी है? जो घनश्याम जी आपने प्रश्न किया जी, यही प्रश्न प्रधानमंत्री जी ने मेरे से भी किया था। अच्छा। मैं भी उस जगह पे था जब 109 वैरायटियों का अभी प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र ICR में जो है 11 अगस्त को जी उनका हम किसानों को सौंपी। तो तब उन्होंने पूछा कि क्या प्राकृतिक खेती में किसान आ रहे हैं? तो हमने कहा कि जी आ रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं अगर वो भी हो जाएंगी। और उन्होंने वहां से कहा भी कि अगर इस प्राकृतिक, मेरा मानना यह है प्राकृतिक खेती में जो किसान आएगा तो उसकी आय बढ़ेगी और उसका खर्चा घटेगा, प्राकृतिक खेती में खर्चा कम है। तो इस तरह से उन्होंने हमें बताया समझाया। और ये बात सत्य है कि अगर हमें जीवन जीना है और तो प्रकृति के साथ रहकर जीना आसान होगा। जिस प्रकार बहाव में अगर हम नदी में तैर रहे हैं, अगर बहाव के साथ तैरेंगे तो जल्दी पार उतर जाएंगे और अगर बहाव के विपरीत तैरेंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है ना कुणाल जी, बहाव के साथ तैरने के लिए हिम्मत चाहिए। हाँ। वो रिस्क लेने को हम तैयार नहीं होते असल में। हाँ। हम सोचते पानी ठहर जाए फिर आराम से पार कर जाएंगे। कितने लोग बहाव के साथ तैरने को तैयार होते कुणाल? तो यही जो साथ देने के लिए सरकार कह रही है प्राकृतिक खेती पे आने के लिए, और जैसे हमारा मौसम बदल रहा है उसके लिए नए नए बीजों का जो सरकार ने अब प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दिए हैं उनका इस्तेमाल करके किस प्रकार हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, ये सब चीजें सरकार अच्छे से कर रही है। मैं कहता हूँ कि हमें पहले ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो ये जानते हैं, किसान की नब्ज जानते हैं, किसान को कैसे उठाना सकते हैं। क्योंकि हो सकता है, मुझे नहीं पता उन्होंने खेती की है कि नहीं की है, पर जिसके पैर ना पड़ी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी खेती की होगी। क्योंकि इतनी बारीकियों को जब हमने उनको इतने नजदीक से देखा और सुना और समझा तो हमें पता चला कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी खेती जरूर कर रखी है, वरना कोई नहीं बता सकता कि अगर मान लिया शोध करके कोई बीज वैज्ञानिकों ने निकाल दिए हैं तो वो समझाते हैं हमें कि आप अपने थोड़े हिस्से में लगा के देखो पहले इन्हें, आपकी प्रयोगशाला में जब ये पास हो जाए तब आप इसको पूरे में इस्तेमाल करो। इस तरह की इतनी जानकारी, इतना ज्ञान और एक तरह का पावर हाउस है, मतलब उनके देख के कई बार तो हम स्तब्ध रह गए, पूरी रात हम सोए नहीं सब लोग। मिलने के बाद मिलने से पहले नहीं सोए और फिर मिलने के बाद भी नींद नहीं आई होगी। मिलने के बाद तो पता नहीं क्या क्या हुआ हमारे साथ, हमें मतलब खुद भी ठीक है। राजेश कुमार अग्रवाल मेरे साथ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड से। अग्रवाल सर, असल में हम लोगों का खास माइंडसेट है सर जी कि हम कितना रिस्क लेंगे भी कि नहीं लेंगे तो बड़ा कैलकुलेटिव वे में लेंगे, इतना रिस्क लेंगे तो इतना नुकसान या फिर इतना फायदा होगा। सर असल में किसी भी बदलाव के लिए एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। वो विश्वास क्यों पैदा नहीं हो पा रहा है, या हो पा रहा है तो वो उतनी मात्रा में क्यों नहीं हो पा रहा है जो वाकई तस्दीर और तकवीर और सब बदलने का दम रखे? देखिए, एक कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग डर जाते हैं काम करने से पहले, लेकिन ये कहीं भूल जाते हैं कि अगर मैं अपनी जीवन को सुकूनमय बनाना चाहता हूँ आसान रास्ते पर चल के तो हो नहीं पाएगा। अगर मुझे जीवन को आसान बनाना है तो थोड़ा मुश्किल रास्ता चुनना पड़ेगा, कुछ चेंजेस चुनने पड़ेंगे। तो अगर मैं चेंजेस करता हूँ, अगर मैं किसान हूँ, मैं अपनी खेती के अंदर कुछ बदलाव लाता हूँ, कुछ उसका मॉडर्नाइजेशन करता हूँ, जो मैं किस्में उगा रहा हूँ,
जो मैं क्रॉप्स उगा रहा हूँ उसमें कुछ बदलने की कोशिश करता हूँ, तभी मेरी इनकम बढ़ेगी। और ये खाली किसान के लिए सच नहीं है, सबके लिए है, क्योंकि जो मेरे दादाजी करते थे अगर मैं भी वही करने की कोशिश करूंगा तो इनकम घटेगी, बढ़ने का कोई चांस नहीं है। बढ़ेगी तभी जब मैं इसके अंदर बदलाव लाऊं। लेकिन सर रिस्क है ना सर, मैं अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उठा रहा हूं, मुझे पता है कि इतना पैसा मुझे हर महीने चाहिए। कोई आए कि भाई नहीं तुम उत्तर नहीं, तुम पूर्व की साइड चलो, तुम ज्यादा पैसा कमाओगे, मैं सर विश्वास क्यों करूंगा? देखिए मैं पता चला वो भी छास्ते चले गया जो मिल रहा था, मैं उस विश्वास उस ट्रस्ट बिल्डअप की बात कर रहा हूं सर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो बदलाव मैं खास तौर से नॉर्थ इंडिया में देख रहा हूँ, धीरे धीरे पूरे देश के अंदर जाता हुआ देख रहा हूँ। हमारे यहाँ जहाँ भी पानी की सुविधा है सब किसान पैडी लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि राइस एक शोर शॉर्ट क्रॉप। पहले में 4 से 5 महीने की लंबी अवधि की पैडी लगती थी। पैडी इज अ डेल्टा क्रॉप, जहाँ पर नदी का पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि किसान को एक सिक्योरिटी है कि मेरा पैडी का क्रॉप बिक जाएगा और मेरी जो आमदनी है वो तय है, इसलिए पैडी लगाता है। लेकिन इन दिनों में हमने देखा कि किसान का रुझान शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा। तो वो 90 दिन की तरफ कहीं ना कहीं 90 से 115 दिन की तरफ आती जा रही है। अभी हमारे यहाँ ट्रांसप्लांटेड राइस होता है इंडिया के अंदर, तो एक तरीके से उन्नत खेती है, लेकिन अभी सरकार DSR की वैरायटीज बहुत सारी ला चुकी है और डायरेक्ट सीडेड राइस होना शुरू हो गया है। एक तरीके से वो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्योंकि वैरायटीज अच्छी आ गई हैं तो किसान उसके अंदर अच्छा मुनाफा कमा रहा है। अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ डेज पानी का इस्तेमाल करना है पैडी के अंदर वो कम हो रहा है, तो कम पानी से ज्यादा पैडी की उत्पादन, और क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम है तो एक एडिशनल क्रॉप का चांस ब्राइट हो रहा है, क्योंकि कहीं पे वो पल्सेज लगा रहे हैं, कहीं पे मिलेट लगा रहे हैं एज एडिशनल क्रॉप, कहीं पे बाद में, कहीं पे पहले। अच्छा। तो उसका कितना बड़ा फायदा है, दो क्रॉप से आप पेडी वीट साइकिल में हो, आपने बीच में कहीं ना कहीं पल्सेज लगा दिए, तो पल्सेज अगर हो गए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाए तो खेत को खाद मिल गई, वरना जानवर को चारा मिल गया, कितना बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। तो मैं समझता हूं कि जब तक कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा रिस्क जरूर आएगा। कुछ और चेंजेस आए कि किसानों ने अभी हॉर्टिकल्चर को अपनाना शुरू कर दिया, सब्जी की खेती कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। जो लोग पॉली हाउसेज में चले गए उनकी आमदनी का तो कहना ही क्या है, एक आम जो कल्टीवेशन करता है किसान उसके मुकाबले जो किसान पॉली हाउसेज लगाता है इतनी बड़ी सब्सिडी मिलती है, बहुत पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो कुछ कोशिशें करनी होंगी अगर बदलाव वाकई जीवन में चाहिए। एसके सिंह सर आपके पास आना चाहूंगा। सर जब जब हम बदलाव की बात करते हैं खासकर खेती किसानी में, तो सबसे पहला ऑप्शन प्राकृतिक खेती ही दिखाई देता है। खुद पीएम भी इसका जिक्र कर रहे थे, तमाम किसान भाई भी जिक्र करते हैं, लेकिन सर इसको इन टोटैलिटी जब मैं रीड कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो प्राकृतिक खेती को ऑप्ट करने वालों की संख्या बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग चाहते हैं हमको प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पादित ही अन्न मिले, सब कुछ मिले, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने वाले, काम करने वाले लोग बहुत कम है। सर क्या वजह आपको दिखाई देती है, अगर ये फायदे का सौदा है तो फिर किसान उस ओर उस रेशो में क्यों नहीं जा रहे? सर उपाध्याय जी, आप कृषि के एडॉप्शन के हिस्ट्री पर देखें, गौर करें तो 1966 के आनवर्ड, उसके पहले किसी टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करवाने में, प्रक्रिया को अडाप्ट करवाने में बड़ा समय लगता है। जब हाई यील्डिंग वैरायटीज आई उसको भी अडाप्ट करवाने में, तकनीक को अडाप्ट करवाने में गवर्नमेंट का सिस्टम जो है पूरी तरीके से लगा रहा नहीं हुआ। और ये परंपरागत खेती जिसकी बात कर रहे हैं पहले होती ही थी, अब इसको सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अच्छी तरीके से प्रमोट कर रही हैं कि इसको अडॉप्ट करें। उसका प्रमुख रीजन है कि इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होता है और इसकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिमांड है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसका अडॉप्शन नहीं हो रहा है, इसका अडॉप्शन हो रहा है। तो अभी देखें कितने परसेंट किसान अडॉप्ट कर रहे हैं सर, कम से कम 1.6% किसान इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। किसान है सर, तो अब जस्ट आगे तो बात सुने इसकी, और इसकी मार्केट देखें कितनी तेजी से बढ़ रही है, 132 US बिलियन डॉलर की मार्केट क्रिएट हो गई है पूरे वर्ल्ड में। और इसका एक्सपोर्ट को देखें, आप डाटा को देखें तो 1920 को छोड़ दीजिए। अच्छा। तो हर साल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हर साल इस प्रोडक्ट का, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो एडॉप्शन नहीं हो रहा है ये कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, ये कहना ठीक होगा कि और गति चाहिए। ठीक है सर, पहला थॉट प्राकृतिक खेती को लेकर यही आता है किसानों के मन में कि भाई फायदे का सौदा नहीं है। सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जब फायदा नहीं तो किसान क्यों जाएगा सर, घर चलाना है कि नहीं चलाना है सर?
हम उस बदलाव की तरफ जाएंगे ना सर, जहां से वाकई हमें उन्नति निश्चित हो, तो या अगर फायदा हो रहा है तो वो समझ क्यों नहीं पा रहे? मैं वो बीच की जो थिन लाइन है सर, उसमें देख रहा हूँ लैकिंग कहाँ आ रही है। सबसे बड़ी जो लैकिंग सिस्टम में होती है तरीके से इसको प्रॉपर प्रचार प्रसार की होती है, चीजों को उनके तक कैसे कम्युनिकेट किया जाए और वो बातों को अच्छे से समझ सकें कि आगे ले जाना है। तो एडॉप्शन नहीं हो रहा, फिर मैं उसी बात की पुनरावृत्ति करूंगा कि एडॉप्शन हो रहा है, गति थोड़ा धीमी है, लेकिन आपको यह भी ध्यान देना होगा कि सरकारी स्तर पर इसका प्रारंभ कब किया गया। अभी बहुत जल्दी किया गया, ऑर्गेनिक खेती का और परंपरागत खेती का दोनों का उत्पत्ति जो है सरकार की तरफ से प्रमोशनल जो है वो बहुत पहले का नहीं है। तो लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड देख रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ती जा रही है, और सरकार का देखें इस बार बजट में भी कहा है कि इसको हम प्रोत्साहन देंगे, सर्टिफिकेशन के रूप में देंगे और उसको लेबलिंग वगैरह कैसे ब्रांडिंग वगैरह किया जाए। इसके साथ साथ हमारी दो स्कीमें चल रही है एक्सक्लूसिवली इसी के लिए है कि वो हर प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल ये कहने की स्थिति में नहीं है कि किसान इसको कर नहीं रहे, हाँ और एक्सीलरेशन की जरूरत है और गति प्रदान करने की जरूरत है, करेंगे। शिवाजी सर भी मेरे साथ हैं। शिवाजी सर, असल में प्रधानमंत्री कहते हैं कि मौजूदा कृषि प्रणाली में समय की मांग है कि बदलाव किया जाए। सर, समय की मांग के हिसाब से बदलावों की जो कोशिशें की जा रही हैं खासकर सरकार की तरफ से, इसको लेकर आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये सफिशिएंट है या मोर देन सफिशिएंट है या अभी बहुत कुछ है जिन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है? कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बदलाव रातों रात कभी नहीं होता है। जैसे अभी डॉक्टर सिंह ने कहा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हो रही थी उसमें भी किसानों को समझाने में काफ़ी वक्त लगा और तभी जाके 63-64 में शुरुआत हुई, पर उसका जो असली फ़ायदा हमें देखने को मिला वो 70-71 के से ही देखने को मिला। तो ये 5-6 साल में जो है उस दौरान जो है जो अनाज का उत्पादन है उसमें प्रोपोर्शनल ने जो बढ़त हुई जी, उसके वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन के कई स्टेजेस जो है आगे बढ़ते चले गए और हर उसमें हम लोगों ने ये देखा कि नई नई तकनीक का जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से आया, कृषि विज्ञान केंद्र ने उसका प्रसार किया, उसका इस्तेमाल हुआ। तो अभी अब जो बात कर रहे हैं, अभी फिर से देखिए कृषि एक ऐसा क्षेत्र है उसके साथ जनसंख्या जो है वो जुड़ी हुई है, जनसंख्या बढ़ती रहती है, कृषि का जो है ऊपर बोझ बढ़ता जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करनी है। और इस काम में मैं समझता हूँ कि भारत का किसान जो है इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देखा और इन अच्छी तरह से खाने के सामान को जुटाया, कहा हम कुल 135 मिलियन टन पैदा करते थे 1950 में और आज हम 1300 मिलियन टन पैदा कर रहे हैं। पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है ना सर, कंपैरेटिवली अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं तो मुझे पॉपुलेशन भी समझाइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर मैं यही कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो है खाद्यान्न का उत्पादन जो है लगातार बढ़ता रहा है। और ये जो आप कह रहे हैं ना, देखिए ऑर्गेनिक खेती की बात हम बार बार करते हैं, ट्रेडिशनल खेती की हम बार बार बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती में कई तरह की अभी भी समस्याएं हैं, कई तरह के जो इनपुट्स है वो हर जगह आसानी से नहीं मिल रहे हैं। तो उसके जो है वो जब तक ये सुविधाएं हो जाएंगी और तो जो है किसान उन चीज़ों को करेगा। अब किसान मान लीजिए करना चाहता है, उसके आसपास वो चीज़ अगर उपलब्ध नहीं है तो वो क्या करेगा? तो निश्चित रूप से उसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता है। दूसरी चीज जो है डॉक्टर सग ने कहा कि कम्युनिकेशन का इशू है। देखिए कम्युनिकेशन खास करके कृषि में मैं समझता हूँ पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग किसानों से अलग अलग तरह से जो खेती करते हैं उनके लिए समझाना एक बहुत आसान काम नहीं है। तो इसके लिए जो है जो खास करके जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो सिस्टम है जी, उसको एक ज़माने में बहुत अच्छा था, अब मैं नहीं कहूँगा आज भी अच्छा नहीं है, पर उसके साथ कई समस्याएँ भी आ गई हैं कि जिस तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है पूरा क्षेत्र। और उसके साथ एक समस्या और भी समझ लीजिए, जो एरेबल लैंड है, जो खेती जैसी जमीन जो है वो कई और दूसरे कामों में जा रही है, सड़क बनाने में, डेवलपमेंट्स में, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने में। तो किसानों के साथ समस्या ये है कि उनकी उनकी अपनी जो खेती का इलाका है वो घटता चला जा रहा है हेक्टेयर्स में, छोटे 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 जो लैंड हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है कि हर छोटे छोटे किसानों को हम कैसे करें, और अगर कोई बटाई में कर रहा है उसके लिए कोई खास जो है इंसेंटिव है नहीं।
तो छोटी जोत के किसानों के लिए भी सरकार के कई प्रावधान है, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बदलावों की फेहरिस्त को थोड़ा और नजदीक से समझने का प्रयास होगा। एक छोटा सा ब्रेक रहेगा हमारे साथ। ITL Biologicals फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, ITL Biologicals यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं और सच के साथ में आज हम उन चेंजेस को, बदलावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो खेती में होने चाहिए, लेकिन कई और रिस्क भी हैं जिन पे मंथन होना बहुत जरूरी है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ राजेश कुमार अग्रवाल जी भी हैं। अग्रवाल जी, असल में हम जब बदलावों की बात करते हैं, रिस्क कैलकुलेट करने की बात करते हैं, लेकिन ख्याल ये भी रखना है कि मिट्टी की सेहत पे असर ना हो, उर्वरकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना हो, अब उत्पादन भी बढ़ जाए, लागत भी कम हो जाए, आय भी दोगुनी हो जाए और बदलावों की फेरिस्त में हम खुद को जोड़ भी लें। सर, ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? देखिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। जिस तरीके से मैं कहूंगा कि अवेयरनेस बढ़ रहा है, उस तरीके से जो दवाइयां इस्तेमाल हो रही हैं, जो खादें इस्तेमाल हो रही हैं, उसके अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अभी आप देखेंगे कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो यूरिया के साथ कहीं ना कहीं शुरुआत हुई, यूरिया का इस्तेमाल हुआ, हमारे देश में सब्सिडी पे यूरिया मिलता है और उसका 1 बैग 2 बैग 8 बैग 10 बैग तक आज या उससे भी ज़्यादा पर एकड़ इस्तेमाल होता है। क्या उतना रिक्वायर्ड है? नहीं है। तो आज सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लिक्विड यूरिया पे कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो, लेकिन आज हमारे पड़ोसी देश में जो बैग 2,000 से 3,000 रुपए का मिलता है, आज हमारे देश में 2-250 रुपए का मिलता है। तो 250 रुपए का बैग है तो इतना चीप है कि किसान उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। वो देखता है पड़ोसी की फसल ज्यादा ग्रीन है, भाई एक बैग और डाल दो, मेरी थोड़ी कमजोर चल रही है, एक बैग फिर और डाल दो। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम केमिकल की बात करते हैं, खासतौर से एग्रोकेमिकल की, यहाँ भी एक डाटा मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जो दुनिया का मार्केट है वो $75 बिलियन का है, जो जब कोविड के दौरान दाम बढ़े तो $80 बिलियन तक टच किया। हमारे देश के अंदर जो एग्रोकेमिकल की कंजप्शन है सिर्फ $4 बिलियन की, यानी 5%। तो 5% एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल करके या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके हमारा किसान 18% आबादी को फीड कर रहा है और हमारा देश आज दुनिया में नंबर 2 है फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में, और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अपना खाना। तो मैं कहूँगा किसान बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमने दालें ज़्यादा खानी शुरू की, हमने सब्जियां ज़्यादा खानी शुरू की, हमने फल ज़्यादा खाने शुरू किया और हमारे देश के किसान ने उनका उत्पादन किया। तो जो चेंजिंग हैबिट्स हैं हमारी, वो भी किसान अपना रहा है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। आपने जहाँ तक बात की ऑर्गेनिक की, यस, आजकल फैमिली न्यूक्लियर हो रही हैं, पैसा हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। आज 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे देश में ऐसी उम्र में हैं जो कि काम कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि आज से 25 साल बाद भी जब हम 100 साल बनाएंगे आज़ादी के, तब ये आबादी बढ़ के 90 करोड़ हो जाएगी, यानी प्रॉस्पेरिटी हमारे देश की बढ़ने वाली है। और हर युवा की एक्सपेक्टेशन है कि मेरा खाना सेफ हो, मुझे अच्छा खाना मिले, ऑर्गेनिक खाना मिले, ऐसा भी हम सोचते हैं। लेकिन क्या ऑर्गेनिक है, हम क्या उसको अच्छे से जानते हैं? तो मैं कहूँगा शायद नहीं जानते हैं। क्या हम ऑर्गेनिक पैदावार करके अपने देश का पेट भर सकते हैं? शायद नहीं भर सकते हैं। लेकिन क्या हर चीज़ उतनी नुकसानदायक है? ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, नए ज़माने की दवाइयाँ आ रही हैं। आज के दिन जो मैन पावर कॉस्ट है बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अगर किसान अपने वीड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा मैन पावर के द्वारा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है। क्रॉप पर डिजीज आता है, क्रॉप पर पेस्ट इन्फेस्टेशन आता है। अगर इनिशियल स्टेजेस में वो एग्रोकेमिकल यूज़ कर लेता है, यानी इंसेक्टिसाइड यूज़ कर लेता है या दवा का इस्तेमाल कर लेता है जो कि फंगस या डिजीज कंट्रोल के लिए, तो कम डोज में काम हो जाता है। अगर वो रिकमेंडेड तरीके से ऐसा करे तो बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से हमारे देश में आयुर्वेदिक का या योगा का इस्तेमाल होता है कि मुझे अपनी मिट्टी की सेहत बढ़ानी है,
मुझे अपने पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शक्ति है उसको बढ़ावा देना है, उसकी शक्ति को बढ़ाना है, मैं डेफिनेटली मुझे आयुर्वेदिक चीज़ें यानी बायोलॉजिकल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत सारे नए नए सॉल्यूशंस यहाँ पर भी बाजार में आ रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा होगा सर, जब पता चल पाए किसान को कितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, कहाँ पे कितना करना है, कहीं पे करना ही नहीं है, अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तो सर वो फॉर्मूला कैसे तय होगा, कैसे हर किसान को पता चल पाएगा? देखिए हम लोग का प्रावधान रहता है, आज IL डॉक्टर्स पूरे देश में सब कंपनीज के लोग हैं, गवर्नमेंट के केवी केस हैं, गवर्नमेंट के भी साइंटिस्ट बाजार में हैं जो कि किसानों को समझाते हैं, बताते हैं और अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, यूनिवर्सिटी द्वारा भी दी जाती है। तो मैं कहूँगा कि किसान को इनिशियल स्टेजेस में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए साथ में, और जैसे ही जो रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि आज रिकमेंडेशंस हैं कि रोग आने से पहले या रोग आने की इनिशियल सिग्नल मिलते ही आप दवा का इस्तेमाल कर लें तो कम दवा इस्तेमाल होगी, अगर रोग को बढ़ा देंगे, पेस्ट इन्फेस्टेशन को बढ़ा देंगे, वीट का साइज बड़ा कर लेंगे तो ज्यादा दवा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस पे रिएक्शन कुणाल का लेते हैं, कुणाल खुद किसान है। कुणाल, जितनी बातें अग्रवाल साहब कह रहे हैं, क्या ये किसान के लिए फिजिबल हो पाता है, व्यवहारिक हो पाता है, क्या किसान उस लेवल पे इतना समझदार है कि इन सारे उर्वरकों का इस्तेमाल, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल उस हिसाब से कर पाता है जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं? पहले सर हमें समझने की जरूरत है, यही बात प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में फर्क है। प्राकृतिक खेती जो प्रकृति से हमें चीजें मिली हैं उनके द्वारा की जाती है, और ऑर्गेनिक खेती जो हम दवाएं ऑर्गेनिक दवाइयों द्वारा प्रोड्यूस उगाते हैं वह ऑर्गेनिक खेती होती है। प्राकृतिक खेती में हम अपना गोबर की खाद, गौमूत्र वगैरह इस्तेमाल करके प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें खर्चा कम है, उसमें खर्चा ना के बराबर है और प्रोड्यूस थोड़ा कम निकलता है लेकिन खर्चा कम है। मैं कहना चाहूँगा कि पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने यह सोचा कि किस प्रकार, अगर मैं खुद किसान हूँ, अगर मैं किसानों से भी किसी से पूछूं कि कोई तीन ऐसे काम अगर आप बता दें जिससे आपका भला हो जाए और वो प्रधानमंत्री जी कर दें या भगवान कर दें, तो शायद कोई नहीं बता पाएगा, सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे कि हमारे रेट बढ़ा दें, क्यों, जो कि किसी के हाथ में नहीं है, ना वो भगवान के हाथ में है, ना मृत्यु और रेट किसी के हाथ में नहीं। विषयांतर हो जाएंगे, हम अब उस पर लौटिए, जी जी विषय पे लौटिए। तो कृषि दार्शनिक आप हो रहे हैं आज, बहुत मैं समझ रहा हूं। हाँ हाँ, तो दार्शनिक अलावा होने के मुझे आज प्रैक्टिकलिटी समझनी है सर, ये ज्ञान तो मिलता रहेगा सर, मुझे ये बताइए वो बदलाव किसान कैसे कर पाएंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री प्रैक्टिकल होने की बात करते हैं सर, दर्शन शास्त्र के अलावा थोड़ा सा रियलिस्टिक होइए, प्लीज बोलिए। जी, तो जब प्राकृतिक खेती में हम आते हैं तो उसमें खर्चा कम होता है, उसको जो SK सर कह रहे थे कि एक सर्टिफिकेशन की जरूरत है, मार्केट की जरूरत है, जब किसान को उसका अच्छा रेट मिलेगा, मार्केट मिलेगी, तो वह उस तरफ आएगा और अधिक से अधिक जब उसको प्रॉफिट उसमें, जो आप भी घनश्याम तो एक्सपोर्ट होने का डेटा भी सर लोग बता रहे हैं कि देखिए कितना बढ़ गया उसका डेटा जो प्राकृतिक खेती से उत्पादित, लेकिन जब हम लोग मार्केट जाते हैं और वो प्राकृतिक खेती से उगाए हुए उत्पाद को लेके जाते हैं तो उसका हमारे पास में कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। अच्छा। और मार्केट में वो जो पेस्टिसाइड लगा हुआ उत्पाद है वह भी वही भाव बिकता है और हमारा भी वही भाव खरीद लिया जाता है, तो इस तरह का या तो अलग मार्केट का एक जगह हो जिसमें, या कुछ FPOs का या गवर्नमेंट का कुछ ऐसा सिस्टम हो के वो उत्पाद को खरीद के और तब एक्सपोर्ट करे। अहम सवाल है, ठीक है सिंह साहब, इस पे सही से रोशनी डाल पाएंगे। सिंह साहब, कैसे वो पब्लिसिटी हो, आप तो मार्केट में डील करते हैं सर, आप तो अच्छे से समझा पाएंगे, कैसे एक किसान ये बताए कि भैया मेरा प्राकृतिक खेती वाला प्रोडक्ट है, इसके रेट थोड़े से ज्यादा होंगे या पेस्टिसाइड से थोड़े से ज्यादा होंगे, सर वो टेक्निक, वो स्कीम, वो मैकेनिज्म कौन सा होगा? सिंह साहब, मैं अपने किसान दोस्त की बात को बड़ी संजीदगी से सुन रहा था और बहुत उन्होंने सही सही मुद्दे उठाए हैं जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, मैं एक एक करके उसके निदान की तरफ बढ़ना चाहूंगा जो सरकार कर रही है या कोशिश कर रही है। पहली बात विपणन से ही पीछे से शुरू कर लेते हैं। विपणन की व्यवस्था के लिए यह इनकी बात बिल्कुल सच है कि चूंकि सर्टिफिकेशन के लिए
कोई एक्सेसिबल व्यवस्था नहीं है। एक्सेसिबल का मतलब है कि किसानों को अच्छे से वो मिल जाए, कि वो चीज़ें सर्टिफाई हो जाएं और वो मार्केट में आ जाएं और खरीदार जो उपभोक्ता है उनको समझ में आए कि ये सर्टिफाइड है, ये ऑर्गेनिकली मतलब नेचुरल फार्मिंग से है, ये पेस्टिसाइड से है, तो वो उनको पता नहीं चलता, तो इसलिए भाव में भी प्रॉब्लम है। तो मतलब भाव ज़्यादा वेरिएशन करके नहीं मिल पाता है। तो सरकार इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए ही इस बार में केवल बजट भाषण में ही नहीं लाई है, इसको वास्तविकता में कोशिश कर रही है कि सर्टिफिकेशन और उनकी ब्रांडिंग कि यह जो है प्रोडक्ट जो है ये नेचुरली ग्रोन है, नेचर से जुड़े हुए तौर तरीके अपना के इसको ग्रो किया गया है, पहला इस पर कर रही है। दूसरा, हम लोग मंडी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से हम लोग यह एक पॉलिसी बना रहे हैं और राज्य सरकारों से कहने वाले हैं कि राज्य सरकारें अपने यहाँ जो व्यापार होता है या तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए नेचुरल प्रोड्यूस के लिए मंडी डेवलप करें या फिर उसी बनी हुई मंडी में, क्योंकि अलग से इतनी बड़ी मंडी बनाना भी आर्थिक तौर पे ठीक नहीं होगा, उसी मंडी में उसके प्रमोशन के लिए एक व्यवस्था करें, उसके लिए एक सिस्टम डेवलप करें। तीसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर तकनीक के अभाव में अब हम जानते हैं कि 89% से अधिक किसान छोटे और मझोले हैं, 2 हेक्टेयर से जिनके पास कम जोत, अब उनको कैसे बनाया जाए, कैसे उनको जोड़ा जाए, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन दोनों के आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो हम भारत सरकार क्या कर रही है कि अन्य FPO अन्य क्षेत्रों में FPO अन्य क्लस्टर्स पर FPO बनाने के साथ साथ जोर दे रही है कि नेचुरल फार्मिंग पे अधिकतम FPO बने, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर अधिकतम FPO बने। तो उस स्थिति में सारी तकनीक, उत्पादन के तकनीक, सारी जोखिम के तरीके और जो हमारे किसान भाई ने मुद्दा उठाया विपणन, क्योंकि विपणन की जो उसमें व्यवस्था की जानी है उसके साथ जुड़े हुए जो प्रोफेशनल एजेंसी है उन्हीं की जिम्मेदारी है कि किसान केवल उत्पादन करेगा, वह विपणन का कार्य नहीं करेगा, वह विपणन का कार्य वो उनका काम है कि वो मार्केट से उसको जोड़ें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आप ध्यान दीजिए वहाँ से कि क्या हमारी जो वेराइटीज़ हैं इसके लिए उपयुक्त हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए, कि क्या हमको कुछ और ब्रीडिंग करने की ज़रूरत है, नई वैरायटी लाने की ज़रूरत है इसके लिए। तो आप बजट भाषण में पुनः लिंक करना चाहूँगा कि बजट भाषण से ये चीज़ आई कि देश में 109 वैरायटीज 32 फसलों में होंगी जो कि क्या क्या होंगी, हाई प्रोडक्टिव होंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन देंगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और वो क्लाइमेट के रेजिस्टेंस होंगी, रेजिलियंट होंगी, और तीसरा जो है जो हमारी नई तकनीक है फार्मिंग का जिसको आगे ले जाना है, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, इसमें वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखें। तो वो मुद्दे जो उठाया गया है इस मुद्दे से सरकार अवगत है और इसको अच्छे तरीके से एड्रेस करने की कोशिश कर रही है और शायद ये हो भी जाएगा। एग्रीकल्चर है थोड़ा समय लेता है और किसान उसके साथ जुड़े हैं तो उसको हमें धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं तो शायद भी नहीं लगा रहा सर, मैं तो कह रहा हूँ ये होकर ही रहेगा। हाँ। जो प्रधानमंत्री चाहते हैं और जो सरकार की मंशा है किसानों के प्रगति को लेकर, जो सपने देखे गए वो सिर्फ कागजों में नहीं है, इस बार वो धरती पे साकार भी होंगे। शिवाजी सर का मिनिस्टर आते हैं। शिवाजी सर, असल में हम बदलावों की बात तो कर रहे हैं, इनको ऑप्ट करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सर जो मेरा मूल सवाल था वो यही कि मिट्टी के स्वास्थ्य पे भी असर ना पड़े, वो भी एकदम उम्दा रहे, किसानों की आय भी दोगुना हो जाए, उर्वरकों का इस्तेमाल भी कम हो जाए, हम इंटरनेशनली कम्पीट भी कर लें, किसान भी सेटिस्फाइड हो, स्किल्ड भी हो, कौशल प्रशिक्षण भी हो, सर इतनी सारी चीजें अंडर वन अम्ब्रेला, सर ये पॉसिबल है, व्यवहारिक है क्या? नहीं, आप जिस सवाल को कर रहे हैं सामान्य रूप से व्यवहारिक नहीं है, पर अगर हम आज देखें पिछले 50 साल के दौरान सरकारों ने और किसानों ने खुद भी इन चीज़ों को किसी न किसी रूप से किया हुआ है। आगे के रास्ते निश्चित रूप से, आजकल एक चीज़ और है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी हमें किसान जो खेती का तरीके हैं और ये सारी चीज़ें जो है हमें बदलना पड़ेगा। आपने जो कहा कि पानी, बिजली, खाद, इन सारी चीज़ों का जो है इस्तेमाल कम कैसे किया जाए, ये एक सबसे बड़ी मेरे ख्याल में सिर्फ भारत का ही समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है, क्योंकि इससे जो है खाद्यान्न में कई तरह के, खास करके जब पेस्टिसाइड ज़्यादा हो जाते हैं या यूरिया जैसे खाद ज़्यादा हो जाते हैं, इस तरह से फॉस्फेट भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी अपनी अपनी समस्याएं होती है जिसका सेहत पर असर पड़ता है।
तो इन चीजों को कैसे हम करें, इसके लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा। और ये पर्सपेक्टिव में डेफिनेटली सरकार ने जब इस तरह से 109 वैरायटीज की बात की है और इस तरह से 32 वैरायटीज और करने की बात की है क्रॉप्स की, तो उन सारी चीज़ों में सरकार ने ये तो ख्याल ज़रूर रखा होगा कि अगर हमारे अगर धान का उत्पादन हम देख लें तो 2050 तक जो है वो 20% कम होने के एक्सपर्ट्स ने बताया है, और 2080 तक क्लाइमेट इश्यूज के वजह से 47% कम होगा। तो ये जो एक चैलेंज है, और इस तरह से और भी क्रॉप्स के साथ होंगे, तो इस चैलेंजेस को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और इसके लिए जो है, देखिए ये चीज़ें जो हैं, जो जितनी सारी हम चीज़ें कर रहे हैं, जो नई बातें हम ला रहे हैं, नई तकनीक ला रहे हैं और नया सारा सिस्टम को हम करना चाहते हैं, तो उसका एक जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं पानी ज़्यादा बरस रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, और ये सारे के साथ जो है हमें करना है। तो उसमें जो है जो चीज़ आप कह रहे हैं उसके लिए भी किसान को जो है हमें जागरूक करना पड़ेगा कि आपको जो है भविष्य जो है इससे जुड़ा हुआ है और उसके हिसाब से आपको इन सारी चीज़ों को करना होगा। जैसे कहा गया है कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कैसे कम हो, बाकी चीज़ें कैसे हो, और यहाँ पानी जो है बेसिकली अगर हम देखें तो अभी भी हम जो है 86% जो है फार्मर जो है वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ग्राउंड वाटर कोई अनंत तो नहीं है, उसको कैसे कर इस्तेमाल करें, इसीलिए कहा जा रहा है बार बार कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार करें। तो इसके लिए देखिए कहना बहुत आसान है, पर किसान इतने सालों से जो जिस तरह से कर रहा है उसको उस तरीके से हटाने के लिए, जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप की जो सिस्टम है उससे कैसे उसको हम जोड़ें, इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए मैं समझता हूँ कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं तो और सभी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से, तो उसमें किसान को, हर किसान को ये समझाने की ज़रूरत है कि जो प्रकृति जिस प्रकार से बदल रही है खेती को भी उसी प्रकार से बदलना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति के साथ अगर खाद्यान्न में कमी, वही तो समझ, वो समझाएंगे कैसे, योजना बन गई, बजट भी एलोकेट हो गया कई स्तर पे, चलो कागजी कार्रवाई भी हो गई, लेकिन जो ग्राउंड पे बैठा किसान है सर, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ पा रहा है, मोर क्रॉप मोर ड्रॉप नहीं समझ पा रहा है, वो समझेगा कैसे सर? वो अवेयरनेस आएगी कैसे? सब जानते हैं अवेयर करना होगा, समझाना होगा, लेकिन वो होगा कैसे, मुझे ये समझना है सर। देखिए इसके लिए अगर हमें ख्याल हो और वो बहुत सक्सेसफुल रहा था, जब हमने इनसैट के जरिए जो किसानों का और एजुकेशन की एक शुरुआत की थी, अब वो बहुत सक्सेसफुल रहा, कहीं ना कहीं उस तरह के मेथड्स को हमें अपनाना पड़ेगा और अपना कर जो है किसानों को समझाने, देखिए किसानों तक पहुंचना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, कहना बहुत आसान है कि केवीकेस में है वो जाके कह दें, पर केवीकेस का एरिया भी इतना व्यापक होता है कि वो केवीकेस जो है सारे किसानों के पास नहीं पहुंच पाते। तो ये किसानों को जो एजुकेट करने का जो तरीका है, जैसे दूरदर्शन का तरीका, दूरदर्शन ने इसमें बहुत बड़ा काम किया था, अगर आपके जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, तो उस तरह से जो है हमें फिर से कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है उसको री इंजीनियर करना पड़ेगा। और करके जो है, जब देखिए ये चीजें कम्युनिकेशन का एरिया ऐसा है कि कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चीजों के हिसाब से बदलती रहती है। दूसरी चीज कम्युनिकेशन के साथ जो समस्या ये होती है, जो इस जनरेशन ने जो सीखा जरूरी नहीं है उस नेक्स्ट जनरेशन को वो बातें पता हो, तो उसके साथ ही रिन्यूअल की भी जरूरत होती है, क्योंकि समय तो फिर बदलेगा सर, बिल्कुल फिर बदलना होगा, बिल्कुल ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। और इसके लिए जो है मैं समझता हूँ सरकार वैसे ध्यान देती है, पर इसके लिए मैं समझता हूँ कि न्यू एक कम्युनिकेशन पॉलिसी इन पर्पजेस के लिए, कि डेवलपमेंटल पर्पजेस के लिए जो कम्युनिकेशन पॉलिसी है उसको हमें पूरी तरह से री इन्विगोरेट करना पड़ेगा। एग्री सर, तो बेटर कम्युनिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और ये सतत प्रयास ही इस दिशा में कारगर उपाय हो सकते हैं। और एक सतत प्रयास है सच के साथ भी, जो हर मंगलवार और गुरुवार को डीडी किसान करता है, इसके जरिए भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और डेवलपमेंट की बातों को और नजदीक से समझ सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आखिरी पड़ाव में बेहद सार्थक चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, रहेगा हमारे साथ।
ITL Biologicals फसल को कीड़ों, रोग दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी आप लोगों का कल भी अच्छा, मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, ITL Biologicals यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं, और सच के साथ में आज हम उस सच को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके बहुत काम का है। जी हाँ, और वही बदलाव आपके जीवन में कुछ नई इबारत लिख सकते हैं। ये प्रयास सरकार का भी और खुद प्रधानमंत्री का भी, और ये प्रयास समय समय पे वो करते हुए नजर भी आते हैं। सभी खास सवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल मेरे साथ हैं, प्रगतिशील किसान हैं। कुणाल, लगातार हम बोल रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, AI आ गया है, सेंसिंग रिमोटिंग की बात हम करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, ड्रोन की बात करते हैं, और इन बदलावों के जरिए हम अगली जो पीढ़ी है कम से कम किसानों के लिहाज से उसको और उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के लिए, सारी टेक्नोलॉजीज के लिए क्या किसान इतना स्किल्ड है? आप ग्राउंड पे पाते हैं क्या किसान वाकई इस कुवत में है कि वो सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकता है? घनश्याम जी, जो शिवराज सरकार जी कह रहे थे कि सिखाने की जरूरत है, तो सिखाने की बहुत जरूरत है। ये सब स्किल जो है फार्मर तक पहुँचे, और उसके साथ साथ उसकी जो छोटी सी जोत है उस पे थोड़े एरिए में उसको जो है वो करके और दिखाई जाए, जिससे उसको प्रॉफिट अगर उसमें नज़र आएगा तो किसान अपने आप उसमें आगे बढ़ के हिस्से लेगा। और एक ये खास बात है कि एक दूसरे को देख के सीखते हैं। जैसे हम एक गांव में कहीं भी एक किसान, दो किसान को चिन्हित करके अगर हम उनके यहाँ पे कुछ लगवाते हैं और उससे उसको प्रॉफिट होता है, तो बाकी के लोग भी उससे सीख के और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये संभव है, लेकिन समय लगेगा। जो शिवराज जी कह रहे थे उसके लिए हमें स्किल्ड होना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, नई जनरेशन है, नई जनरेशन को भी बताना पड़ेगा। और जब उस चीज़ को हम सीख के और उसमें से प्रॉफिट लेके आएंगे, प्रॉफिट निकलेगा, तो नेचुरल सी बात है कि दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ के इसको कर पाएंगे। जी, अग्रवाल सर भी मेरे साथ हैं। अग्रवाल सर, असल में एग्रीटेक स्टार्टअप को लेके भी लगातार सरकार प्रयासरत है, आप अच्छे से समझते हैं सर इन सारी चीजों को। 2023 में एक्सेलेटर फंड की भी बात की गई सर, इस तरह की कोशिश जो सरकार के स्तर पर की जा रही है, आपको क्या लगता है इनमें अभी और पुश करने की जरूरत है और ग्राउंड तक पहुंचाने की जरूरत है, जिसके जरिए इस बदलावों को हम बहुत नजदीक से समझ पाए या वो होते हुए देख पाए? देखिये, सोल्यूशन आप खुद ही बोल रहे हैं, हमारा देश इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, और हमारे राज्य इटसेल्फ इतने बड़े बड़े हैं। आज हर 200 किलोमीटर पर डायलेक्ट बदल जाता है, थोड़ा और दूर चले जाएँ तो लैंग्वेज पूरी तरीके से बदल जाती है। तो बहुत मुश्किल होता है देश के कोने कोने तक पहुंचना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज सरकार अपना काम कर रही है, मैं कहूँगा इनपुट सप्लाई कंपनीज भी अपना काम कर रही हैं। हम सबके पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि खेतों में जाते हैं, किसानों को समझाते हैं, लार्ज प्लॉट ट्रायल्स लगवाते हैं, जैसा कि अभी किसान भाई ने बोला हमारे, तो किसानों को दिखाने की कोशिश करते हैं, किसानों की जबानी सबको समझाने की कोशिश करते हैं, और तभी नए नए प्रोडक्ट, नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आ पाती हैं और मार्केट में एस्टेब्लिश भी होती हैं। हम किसान की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपको एक बहुत रीसेंट एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे देश के अंदर Group 30 कंपाउंड इंसेक्टिसाइड के 4 कंपनीज ने लॉन्च किए, हाल में 2 साल पहले आए। हमारा जो देश का बाजार है वो करीब 35,000 करोड़ का है, 800 करोड़ का ये जो प्रोडक्ट हैं 4 कंपनी द्वारा वितरित किए गए, 2 ही साल में 800 करोड़ का इसका बाजार हो गया, और इस साल बढ़ के 1500 करोड़ तक जाने की उम्मीद है। तो मैं एग्जांपल क्या देना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी आई और इतनी जल्दी एस्टेब्लिश हो गई, कंपनियों ने डेफिनेटली काम किया, लेकिन आज किसान की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को समझ के नए ज़माने की दवाई दी। मैं दर्शकों को इस माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन एग्रोकेमिकल के अंदर आ रहा है। अभी जो नए ज़माने के एग्रोकेमिकल आ रहे हैं उनका डोज बहुत कम है,
उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत कम है, डोज इतना कम है कि 20 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, एक्टिव इंग्रेडिएंट 5%, 7%, 10%, 15%, जो उनका रेसिड्यू है वो 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाता है एटमॉस्फेयर से। उस तरीके की दवाइयाँ डेवलप करने की कोशिश की जा रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से हमारी जानकारी बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि एग्रोकेमिकल का नुकसान ना हो, तो उस तरीके के प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं। सभी एक्सपर्ट्स ने एग्रोकेमिकल की बात की, लेकिन जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो क्या हमारे किसान फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल चैलेंज है। आज गोबर खाद बहुत अच्छा लगता है सुनने में, कितने गाँव में किसान आज पशुपालन कर रहे हैं, कितने का गोबर खाद एक एकड़ खेत में लगता है? ज़रा किसान भाई बता दें, अगर मुझे खरीदना हो तो कितने ट्रक गोबर खाद लगेगा और एक ट्रक कितने का आएगा? थोड़ा अनप्रैक्टिकल हो जाता है। मैं कहूँगा डेफिनेटली हमें जैविक चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिस तरीके से हम अपने जीवन में योगा का या आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब काम आएंगे केमिकल की कंजम्पशन को कम करने के लिए। केमिकल की कंजम्पशन कम करने के लिए लगातार नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मैं अपने 25 साल के करियर में बता सकता हूं कि लगातार जो क्वांटिटी ऑफ केमिकल है जो इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में, वो घट रहा है। वैल्यू बढ़ रही है लेकिन डोसेज कम होती जा रही है। आज के प्रोडक्ट 15 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml प्रति एकड़ के हैं, जिसको 200 लीटर पानी में डाइल्यूट किया जाता है, उसके बाद एक एकड़ खेती में इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे जो टोटल कंजम्पशन है पेस्टिसाइड की, वो क्वांटिटी वाइज बहुत कम है। और जैसा कि मैंने आपको वर्ल्ड का टारगेट बताया, 5% केवल कंजम्पशन हम एग्रोकेमिकल की करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑल्सो, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, कहीं कहीं पे मिसयूज होने की संभावना रहती है, हम उसको प्रचार करते हैं, किसानों को समझाते हैं, रिटेलर नेटवर्क को समझाते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट को बेचना है। यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर भी काम करते हैं, के भी साथ मिलकर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि सही तरीके से, जुडिशियस तरीके से इसका इस्तेमाल हो। अगर सारी टेक्नोलॉजी को मिला के, यानी बायोलॉजिकल्स, केमिकल्स, इवन जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत अच्छा। तो आप कह रहे हैं सर, जो बदलावों की हम बात कर रहे हैं, उन बदलावों में पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को आपको रखना ही पड़ेगा, आप ये समझा रहे हैं सर? देखिए, प्रैक्टिकल टारगेट नहीं है अदरवाइज। मैं एक और डाटा देता हूँ, आज भी 20% से ज्यादा देश के अंदर फार्मिंग ऑर्गेनिक है बाय डिफॉल्ट। क्या उनकी क्रॉप को हम प्रीमियम देने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका ने कोशिश की कि हम अपने देश को ऑर्गेनिक बना देंगे, क्या हाल हुआ सबको मालूम है। तो हम ऐसी अनप्रैक्टिकल टारगेट्स की बात क्यों कर रहे हैं? 150 करोड़ आबादी वाला देश जो होने वाला है, 140 करोड़ आज हमारे देश के अंदर लोग हैं, ऐसे में अगर हम बात करें कि यही सॉल्यूशन होगा, तो मैं कहूँगा एक्सट्रीम स्टेप है। सॉल्यूशन होगा जो बीच का रास्ता होगा। बीच का रास्ता मतलब एकदम एक्सट्रीम स्टेप नहीं हो सकते। सर, पेस्टिसाइड्स को लेकर सबसे पहले जो थॉट आता है वो जहर है सर जी। पेस्टिसाइड्स यानी जहर, आप बताइए, समझ में आता? आप अपनी मिलिट्री को डंडा लेके बॉर्डर पे लड़ने भेज देंगे क्या? आप जीत के आएंगे, हार के आएंगे? अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो लीथल वेपन चाहिए, तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो जहर किस तरीके का है? अगर फार्मास्यूटिकल जो दवाई खाते हैं वो जहर नहीं है क्या? अगर नहीं है तो आप एक पत्ता दवाई का खोलिए, पूरा खा लीजिए, हिम्मत दिखाइए। मैं देखता हूँ ना किसके अंदर हिम्मत है जो सुबह एक पत्ता खाएगा, शाम को एक पत्ता खाएगा। मेरे सामने आदमी आ जाए, एक एक पत्ता खा ले, मैं मान जाऊंगा वो जहर नहीं है। तो कोई भी केमिकल या कोई भी चीज, चाहे प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, अगर उसकी कंजम्पशन आप जरूरत से ज्यादा करेंगे तो हर चीज जहर है, चाहे वो नमक है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो केमिकल है, चाहे कुछ भी चीज है। तो अगर आप उसका लिमिट में इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से काउंटर आते जा रहे हैं इसमें, तो वो जहर नहीं है। सिंह साहब, इस पर काउंटर करेंगे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जरूरी है अगर वाकई, तो फिर उसका इस्तेमाल कितना हो, कैसे हो, कब हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अग्रवाल साहब इस पे एम्फेसिस कर रहे हैं सर। मैं उस प्रश्न पर अवश्य आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चीजों को कैसे आगे ले जाएं एक्सटेंशन के सर, बारे में अगर उसी का दे देंगे जवाब तो ठीक रहेगा सर, वो कंटिन्यूशन में चल रहा है। ओके, उसी पर हम बात करते हैं। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बढ़ता गया उत्तरोत्तर, चूंकि मैं उसी फील्ड का ही आदमी हूँ, लकली PhD में पेस्टिसाइड में ही किया हूँ, तो शायद इस बातों को मैं अच्छे से एड्रेस कर पाऊंगा। यह बात सच है कि इसका जुडिशियस इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ओवर डोजिंग नहीं होनी चाहिए, अंडर डोजिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, चाहे वो फंगस फंजाई होते हैं, चाहे बैक्टीरिया होते हैं, चाहे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट प्लस उनमें रेजिस्टेंस डेवलप करता है, वो आउटडोज करता है। लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि इसके बिना काम नहीं चल सकता है। हम इसलिए नहीं रखते हैं कि जो अभी हम थोड़ा कम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि परंपरागत खेती या ऑर्गेनिक खेती अभी उतनी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोडक्शन के 329 मिलियन मेट्रिक टन पाने के लिए कितने वर्ष संघर्ष किए हैं। ये संघर्ष 66 से प्रारंभ हुआ है, वर्षों को गिन लीजिए।
आप पॉपुलेशन हमारी 4 गुना से कम आई, प्रोडक्शन हमारा जो है वो 6.5 गुना हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो कितने वर्षों में हुआ है। अब उन वर्षों को देखें, अब उससे तेज होने वाला है। उससे तेज कैसे होने वाला है कि गवर्नमेंट सारी प्रायोरिटीज में एक प्रमुख प्रायोरिटीज एक्सटेंशन पर रखी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। वो क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कल्पना करिए कि पिछले कई वर्षों से क्या क्राप की जो सर्वे होता था वो पॉसिबल था? नहीं हो पाता था। हम खुद ही स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करते थे, एडीओ थे ब्लॉक पे, कैसे छल्ला मार करके उसको प्रोडक्टिविटी निकाली जाती थी। क्या यह पॉसिबल था कि 12 करोड़ किसानों को रजिस्ट्री तैयार कर देना, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन कर देना, सोइंग इत्यादि इत्यादि पूरी प्रक्रिया के लिए एग्रोनॉमी की सारा सिस्टम बना देना? तो हम ये क्यों नहीं विश्वास कर पाते हैं कि ये सारा कुछ बहुत जल्दी से एक्सटेंशन हो करके किसानों के पास पहुंचेगा, किसान इसको अडॉप्ट करेगा और आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी साइकिल से ठीक है चलते चलते अब हम कहीं और माध्यम से जा रहे हैं तेजी से, तो ये सब देखते हुए सब आगे बढ़ेगा। और पेस्टिसाइड पर बहुत लॉन्ग हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये फूड है। अब फूड हमको खाना है, और खाने में हमें देखना है कि कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं इस्तेमाल करना है। आप कितना भी इस्तेमाल करेंगे उसका रेजिड्यू तो कहीं ना कहीं प्लांट में रहना ही रहना है। हाँ, अगर आप जुडिशियस यूज करेंगे, नेचुरली परमिसिबल लिमिट होता है हर चीज़ का, थ्रेशोल्ड लिमिट हम लोग बोलते हैं, परमिसिबल लिमिट से कम होगा। मॉनिटरिंग कैसे होगी सर उसकी? पेस्टिसाइड का उतना ही जितना इस्तेमाल करना है बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। कि जैसे आपने बात किया कि मैंगो जब डालना है, अब पोटैटो ब्लाइट पे हमको लगाना है मैंगो जब को, अब हम कितना डोज डालें, 2.5 किलो डालें, 1000 लीटर में डालें कि कितने में डालें, कैसे डालें, किसान को कुछ नहीं पता होता है। और किसान क्या करता है अमूमन कि भाई जल्दी यह रोग खत्म हो जाए, उसके लिए वो खूब सारा मात्रा में उसको डाल के डाल देता है। मैं अच्छे से जानता हूँ फील्ड में कि उसकी कभी कभी पूरी फसल सूख जाती है, वो लेकर आता है क्या हुआ है, तो मैं पहले शक करता हूँ कोई रोग तो नहीं लगा है। फिर हमने कहा फसल निकाल के लाओ, निकाल को हमने माइक्रोस्कोप लगाया तो कोई ऑर्गेनिक नहीं है, कुछ मतलब कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, तो देखा वो पेस्टिसाइड से खत्म हो गया, सूख गया है, क्योंकि उसने ओवरडोजिंग कर दी है। विशेष करके सल्फर वाले जितने प्रोडक्ट होते हैं ऐसा होता ही होता है। तो मैं तो बहुत ज्यादा, मेरा व्यक्तिगत राय है कि पेस्टिसाइड को हमें धीरे 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 कहीं ना कहीं डाइंड की तरफ जाना पड़ेगा। और एक इंस्टेंट रिएक्शन इस पे फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा जी कि आज अगर हम वर्ल्ड को देखते हैं, इंडिया के अंदर 500 ग्राम पर हेक्टेयर एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल होता है, वहीं पे डेवलप्ड देशों में 5 किलो से 10 किलो तक का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आज दुनिया $80 बिलियन का मार्केट है, इंडिया $4 बिलियन का बाजार है। अगर हम ऐसी भ्रांति रखेंगे और एक्सट्रीमिस्ट होने की कोशिश करेंगे तो क्या हमें सॉल्यूशन मिलेगा? तो आपकी मैं केयर करता हूं, लेकिन मैं दूसरी तरफ बोलता हूं, 1.25 लाख करोड़ की सरकार सब्सिडी देती है यूरिया पे, क्यों दे रही है? आपके पास सारा अकाउंट बना हुआ है, किसान ने कितनी खेती की है, आप उससे काउंट करके 2-2 बैग क्यों नहीं देते क्रॉप के ऊपर? और जो आदमी ऑर्गेनिक खेती कर रहा है या प्राकृतिक खेती कर रहा है उसको तो यूरिया की जरूरत नहीं है, उसको क्यों सब्सिडी जा रही है? आप कंट्रोल करिए ना, आप बोलने को बोलते हैं कि ऑर्गेनिक है प्राकृतिक है, लेकिन होता कहां है? 10 बैग यूरिया डालने के बाद ऑर्गेनिक है, मुझे पता नहीं कैसा ऑर्गेनिक। सिंह साहब कुछ कह रहे हैं? सर बिल्कुल कहना चाहूंगा मैं इस पर, 10 सेकंड बस। हां बिल्कुल, 2 सेकंड में कहूंगा। इसी के लिए गवर्नमेंट ने एग्री स्टैक जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्टेट को डेवलप करा रही है, और डेवलप हो गया है। इसमें क्या होगा कि अब कितना उसको क्राप सो किया है, अच्छा, उसमें कितना फर्टिलाइजर लगने वाला, यूरिया कितना, डीएपी कितना, एनपीके कितना लगने वाला है, क्या उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट में उसको रिकमेंडेशन आया हुआ है, बेस्ड ऑन दैट उसके आधार पर ही उसको यूरिया के बैग सब्सिडाइज्ड इशू होंगे या सब्सिडी उस स्टेज पर इन कैश उसके अकाउंट में डाल दी जाएगी। ठीक है शिवाजी सर, आखिरी सवाल आपसे सर। सर कृषि राज्य सूची का विषय हम अच्छे से समझते हैं सर, केंद्र की उतनी दखलंदाजी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी केंद्र की तरफ से बहुत कोशिशें की जा रही है सर। जीएसटी को लेके जो केंद्र और राज्यों के बीच में हमने सामंजस्य देखा था, जो सहयोग देखा था, क्या वो किसानों के उत्थान के मद्देनजर कृषि राज्य सूची होने के विषय के बावजूद वो सहयोग अपेक्षित है? अगर है तो क्या वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है राज्यों के जरिए? उसके मिलने की बहुत बड़ी दरकार है। आपका एनालिसिस बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट क्या कहता है सर? देखिए जीएसटी का इशू जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जीएसटी में हर स्टेट का और केंद्र का पहला जो उनकी नज़र होती है कि कैसे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकले, तो उस तरह से अगर हम देखें तो हमने एक ऐसा रेट रखा है जो कि आम
जो भी प्रोड्यूसर है उसके लिए कम नहीं है। तो एक तो उसके रेट्स को जो हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ उसके कई पेनल्टी प्रोविजंस वगैरह है उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। अब किसान के लिए अगर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है खाद्य पदार्थों के लिए जो है 5% से लेके 18% तक का सामान्य रूप से GST लिया जाता है, और ये मैं समझता हूँ कि इस देश के जो हालात है या किसी भी देश की जो हालात है उतना नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि खाद्यान्नों पे जो है 1-5% तक का जो है GST होना चाहिए, पर कोई राज्य इसके लिए शायद ही तैयार होगा क्योंकि उनका जो है रेवेन्यू लॉस वो कहते हैं होता है। केंद्र का भी जो है वो, और आजकल जिस तरह से करीब 1.5 लाख करोड़ का या उसके ऊपर 1,70,00,000 करोड़ के हिसाब से जिस तरह से जा रहा है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि रेवेन्यू लॉस हो। पर रेवेन्यू लॉस के साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि किसान जो है, किसान के जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी कोशिश हमारी यही होती है कि उसकी प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम आर्टिफिशियली प्राइसेस को डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं जिससे कि बाकी चीज़ों पे या इंडस्ट्री पे उसका असर कम आए। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, और इन कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज पे मैं समझता हूँ कि एक पूरी सदी भी जो है डिस्कशन होना चाहिए। और खेती के इश्यूज को देखिए, एक चीज़ ज़रूर है कि किसान जो खाद्यान्न पदार्थ है उसके दाम हम सामान्य रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा हमें नहीं रखना चाहिए, वहाँ तक ठीक है। पर उसके साथ अगर GST का इश्यू आएगा तो GST को भी उसी हिसाब से हमें कम रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें सर। एक छोटा सा सवाल शिवाजी सर और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ऋण है, कर्ज है। क्या इस कर्ज को खत्म करके या दूसरी तरह से वे ऑफ करके जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं, जिस बदलाव की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ सकते हैं, क्या इस पे भी पहले काम करने की जरूरत है? इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री करते रहे कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना सरकार की प्रायोरिटी में। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए इसको, क्योंकि अभी अगर आप देखें किसानों के, अगर हाउस होल्ड इनकम लें तो 10,000+ रुपए हैं, तो हाउस होल्ड इनकम जो है बहुत कम है, और ये हाउस होल्ड इनकम अगर उनका नहीं बढ़ेगा तो उनके जो परिवारों के जो हालात है वो वैसे ही बने रहेंगे जैसे अभी हैं। दूसरी चीज़, अगर इन चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो खाद्यान्नों के दाम कम रहेंगे, और तीसरी चीज़ जो है कि उनको अगर कोई प्रोडक्शन करना है जी, तो वो बिना चाहे किसान कार्ड से हो चाहे किसी चीज से हो, बिना लोन लिए वो काम नहीं कर पाते ठीक हैं। ये जो एक स्थिति है ये निश्चित रूप से किसानों की जो स्वावलंबिता है उस पर असर डालती है। तो कई पहलू हैं जिस पर मंथन करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर, समय मेरे पास इतना ही, चर्चा को और आगे बढ़ा सकते थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आज की इस चर्चा के बाद, विचार विमर्श के बाद, हम ये कह सकते हैं कि जो बदलाव लाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसमें समय भले ही लग जाए लेकिन ये बदलाव किसानों के जीवन में आकर रहेगा। सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध हैं, और किसान भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये बदलाव जरूर आएगा। इस बदलाव की तरफ आपको जरूर बढ़ना है, लेकिन एक बदलाव बिल्कुल नहीं करना है, वो है हमारे और आपके रिश्ते का, जो हर मंगलवार और गुरुवार को हम इस तरह से जोड़ते हैं कि ताउम्र हम और आप साथ साथ रहते हैं। और आपने अगर ये प्रोग्राम आधे से देखा, थोड़ा छूट गया, थोड़ा और देखना था, तो फिर यूट्यूब पर जाके आप हमारे इस पूरे एपिसोड को देख सकते हैं। वहां पर आपके हर कॉमेंट का मैं पर्सनली जवाब देने की कोशिश करता हूं। आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए DD किसान। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।